मैया का अंतिम समय आ गया। चारों बेटा आ जाओ, बहू आ जाओ, बेटी आ जाओ, सब इकट्ठे हुए। इतने देर में मैया जी राधे राधे हो गए। अब बहू बेटा को चिंता, खासकर बेटा को चिंता कि मैया ने कोई माल छुपाया होगा, बार बार ऐसे हाथ कर रही थी, बुढ़िया खुद मरी, हमें भी मार गई, माल बता के नहीं गई। अच्छा, बेटे ने क्या किया, किसी वैद्य डॉक्टर को बुलाया और वैद्य डॉक्टर से कहा कि भाई कुछ ऐसा कर, एक सांस आ जाए मैया को, माल बता जाए, फिर मर जाए। अच्छा, डॉक्टर ने भी चोखे में उठ लिए और कुछ उपचार किया। मैया को जैसे सांस आया, बेटा ने पूछा मैया माल कहां है, मैया तुरंत बोली पागल तुम मुझे घेरे खड़े हो, उधर बछड़ा झाड़ू को खाए जा रहा है। इतनी देर में गोविंदा नमो नमः। अच्छा, अंत समय मन गोविंद के चरणों में लगना ही मुश्किल है। अंत राम कहे आवत ना, जन्म जन्म यत्न करने के बाद भी अंत समय मन गोविंद के चरणों में नहीं लग पाता। लेकिन गजगमन हाथ में चक्र लिया और ग्रह का उद्धार कर दिया। बोलो नारायण भगवान की जय। गज लटका दिया। प्रभु बोले क्या हुआ? गज बोले प्रभु पहले ये बताओ, आप मेरे लिए आए थे या इस ग्रह के लिए आए थे, मगर के लिए आए थे? प्रभु बोले भैया मैं तो आपके लिए आया था। कहा रहने दो गज, आपने तो ग्रह का उद्धार किया है। तब प्रभु ने समझाया, गज सच तो ये है, इस ग्रह ने आपके चरणों को पकड़ा है, आपके चरण रज को पान किया है। स्वागत, बहुत बहुत अभिवादन, राधे राधे। बुलवार कृष्ण भगवान की, आचार्य जी महाराज की, गौरी शंकर भगवान की। पावन अवसर के माघ के इस पुण्य माह में हम सभी महाराष्ट्र के मुखारविंद से श्री भागवत कथा अमृत का श्रवण पान कर रहे हैं। सभी अतिथियों का एवं आप सभी का मैं आयोजक मंडल की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। बहुत ही अच्छा है, ये जन कल्याण के लिए बहुत अच्छी पहल की हुई है इन्होंने। आज नई जनरेशन के लिए तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि हमारे नौजवान बच्चों को भी धार्मिक प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं, अच्छा लग रहा है, देख के बहुत अच्छा लग रहा है। आज मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा है, बस समय की थोड़ी सी वो है कि मुझे आगे भी कहीं जाना है, और बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। मैं बस ये कहती हूँ कि सभी को ऐसे ही धार्मिक कार्यक्रम करते रहना चाहिए, भगवान का बहुत 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 अच्छा लगा रहा है। हमारे बड़े मतलब है मेरे तो मेरा बिल्कुल भी नहीं था वैसे यहाँ पे आ जाने का, तो वो तो मम्मी का फोन आया मेरे पास, इन्होंने बोला कि नहीं चलना है, वहाँ से फोन आया तो मैं आया, तो मेरे को भी यहाँ पे आकर बहुत अच्छा लगा। ये हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारी बहन श्रीमती आशा शर्मा जी का हमारे ऊपर सदैव कृपा आशीर्वाद हमारे ऊपर है, इस परिवार हरियाणा पे कृपा, मेरे ऊपर अपने भाई बहन की विशेष कृपा है, और हमारा बीच बीच में ये बहन हमारा हौसला बढ़ाती रहती है। जन्म हुआ विश्व भरण पोषण कर सोई, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों का नामकरण हुआ। धीरे धीरे बड़े हुए, राम जी का अति सुंदर श्रृंगार करती है, धूमक चलत राम जन्म। प्रभु बाल लीलाएं करते हैं, पाप करने लगे। विश्वामित्र जी आज आए हैं अयोध्या,
महाराज दशरथ ने स्वागत किया और निवेदन किया, मैं आपकी क्या सेवा करूं, जो चाहिए सो आज्ञा करें। महाराज विश्वामित्र जी ने कहा, राजन वैसे तो भगवत कृपा से संतों को कुछ नहीं चाहिए, फिर भी राजन पुत्र मिले हैं ना? हाँ हाँ मिले हैं। अच्छा किसकी कृपा से? संत कृपा से ना, ये भी कृपा से ना। कहा तो संत दुखी यज्ञनारायण दुखी, तुम्हें चार मिले हैं ना तो दो दे दो। एक शिपक में ऐसी भी कथा पड़ी है, मेरे कन्हैया के स्वागत के लिए पाँव में मतलब पंजनिया पहन करके नाचते गाते ढोल बजाते हुए, और अब हम नंदगांव की तरफ प्रस्थान करेंगे, मेरे कान्हा जी का उत्सव मनाएंगे, सभी गोपियाँ नाचते गाते हुए और बड़े उत्साह के साथ सभी गोपियाँ, कान्हा जी स्वयं एक अवतार रूप में है, ये यमुना को पार करेंगे और यमुना जी को पार करेंगे और इसके साथ सभी गोपियाँ गवाला सभी इनके साथ चलेंगे, इनके दर्शन करने के लिए सभी लालाए थे। सर्व गुण संपन्न है, हर कुछ में तो ऐसे छोटे से कान्हा बने हैं, भगवान सबके घर में घट में बास है इनका जो है, और कृपा बनी रहे। उन्होंने अनेक अनेक लीलाएं दिखाई हैं और आज हम उन्हीं को स्मरण करते हैं, और मेरा विश्वास है कि ठाकुर जी सबके साथ में अंग संग खड़े रहते हैं। कोई खुशी का साथ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आज का उत्सव है, सबसे पहले इन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने गौरी शंकर मंदिर के अंदर इतना बड़ा उत्सव किया है, और दूसरी बात यह है कि जो गुरुजी हमारे आए हैं उनको बहुत मानते हैं हम, ठीक है ना। हमारी किस्मत है कि वो हमें सेक्टर 9A में आए हैं। आज श्री कृष्ण जी का जन्म है, ठीक है, तो हम चाहते हैं कि सभी लोग जितने यहाँ खड़े हैं नीचे हैं सब झूम कर नाच कर पूरी तरह से वृंदावन पूरा बनाकर उसको आनंदित होकर भक्त गुरुग्राम को वृंदावन धाम नंदगांव धाम बनाएंगे और उमंग उत्साह के साथ कान्हा जी का उत्सव मनाएंगे। रात्रि का समय यशोदा जी की नंदा और सुनंदा, उन्होंने देखा कि यशोदा के यहाँ लाला भयो है, बधाई हो
नमः पुष्पाय
मंडलम समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्।